पहले वनडे में मिली हार तो दूसरे वनडे के लिए बदल गई भारत की प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम 99% जीत चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा उसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से कप्तान रोहित शर्मा भी काफी गुस्से में नजर आए और इसी गुस्से में उन्होंने पूरी प्लेइंग 11 बदल दी है और टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी कराई है कि अब भारतीय टीम की दूसरे वनडे मुकाबले में जीत लगभग तय है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में किन भूखे शेरों को शामिल किया और भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला किस वजह से हारी, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका के शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में बांग्लादेशी टीम ने भारतीय टीम को बुरी तरह से मात दे दी और इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। केएल राहुल को छोड़ करके पूरी टीम बांग्लादेश के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आपको बता दें कि पहले वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत टीम में शामिल नहीं थे और ऐसे में केएल राहुल विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्होंने मेहदी हसन मिर्जा का एक कैच छोड़ दिया जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद रही सही कसर हमारे फील्डरों और गेंदबाजों ने पूरी कर दी और भारतीय टीम ने इस मैच को गंवा दिया और ऐसे में दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। तो दोस्तों, बात करें दूसरे मुकाबले की तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला 7 दिसंबर को ढाका के मैदान में खेला जाएगा और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह में 11:30 बजे शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो बात करें ओपनिंग जोड़ी की तो एक बार फिर से हमें कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। हालांकि ये दोनों ही बल्लेबाज पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली इन दिनों अच्छी फॉर्म में है। हालांकि पिछले मुकाबले में इन्होंने बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब दूसरे मुकाबले में इन्हें अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा। उसके बाद नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ ये भी फ्लॉप हो गए थे, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। उसके बाद नंबर 5 पर एक बार फिर से लोकेश राहुल बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में इन्होंने 73 रनों की शानदार पारी खेली थी और एक बार फिर से इनसे उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। उसके बाद नंबर 6 पर वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि वाशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में गेंदबाजी से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी में अच्छी साझेदारी निभाई थी और भारतीय टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले जाने की कोशिश की थी और एक बार फिर से दूसरे वनडे मुकाबले में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। और उसके बाद बात करें 7वें नंबर की तो नंबर 7 पर शहबाज अहमद पिछले मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, इसलिए इस मुकाबले में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे और अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही बेहतरीन है। उसके बाद नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और नंबर 8 पर एक बार इन्हें फिर से मौका दिया गया है। उसके बाद बात करें नंबर 9 की तो दीपक चहर एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। दीपक चहर भी पिछले मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उसके बाद तेज गेंदबाजी की बात करें तो नंबर 10 पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे और पिछले मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी तो उनकी कमाल की थी। उसके बाद बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर कुलदीप सेन को डेब्यू करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और पहले मुकाबले में जमकर रन लुटाया था, इसलिए दूसरे मुकाबले के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर उमरान मलिक की टीम में वापसी हुई है और दूसरे मुकाबले में हमें उमरान मलिक खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को हरा पाएगी या नहीं, कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।